नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉक देख रहे हैं। दुती चंद भारत की सबसे तेज महिला एथलीट कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं। उन्हें ट्रेनिंग में परेशानी हो रही है, ऐसे में उन्होंने फेसबुक के जरिए अपनी बीएमडब्ल्यू कार बेचने का ऐलान किया। दुती ने जैसे ही फेसबुक पोस्ट डाली, कई लोगों ने उस पर कमेंट किया। उन्होंने सरकार से दुती चंद की मदद करने की मांग की। दुती के पास साल 2015 मॉडल 3 सीरीज बीएमडब्ल्यू है, इसे उन्होंने 30 लाख रुपए में खरीदा था। इस बारे में दुती ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं अपनी बीएमडब्ल्यू कार बेचना चाहती हूँ, यदि कोई खरीदना चाहता है तो मुझे मैसेंजर में कॉन्टेक्ट कर सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी। ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट क्यों की। पैसे की तंगी और ट्रेनिंग के बारे में दुती चंद ने इंडिया टुडे से बातचीत की। उन्होंने बताया, महामारी के चलते कोई भी मुझे स्पॉन्सर नहीं करना चाहता है, मुझे पैसों की जरूरत है और इसीलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग और खाने पीने के खर्चे के लिए अपनी कार को बेचने का फैसला किया है। मैं टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ। राज्य सरकार का कहना है कि वह अभी पैसों की कमी से जूझ रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीएमडब्ल्यू उन्हें गिफ्ट में मिली थी या उन्होंने खरीदी थी, इस बारे में दुती चंद ने बताया कि एशियाई खेलों में मेरी उपलब्धि के बाद उड़ीसा सरकार में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुझे 3 करोड़ रुपए का इनाम दिया था, इसी से मैंने ये कार खरीदी थी और घर भी बनाया था। दुती ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए दिए थे। उनकी ट्रेनिंग पर हर महीने करीब 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसमें कोच, फिजिशियन, डाइटिशियन की सैलरी और बाकी चीजें शामिल हैं। दुती ने कहा, मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए हैं और अब कोरोना के चलते स्पॉन्सर मिल नहीं रहे हैं। मुझे फिटनेस और जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैंने कार बेचने का फैसला किया। दुती ने कई मेडल जीते हैं। अक्टूबर 2019 में ही उन्होंने नेशनल ओपन एथलीट्स में 100 मीटर की रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। यह रिकॉर्ड पहले भी उनके ही नाम था, लेकिन उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। उन्होंने 100 मीटर रेस के सेमीफाइनल में 11.22 सेकंड में रेस पूरी की थी। इससे पहले उन्होंने 11.266 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की थी। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले Facebook और YouTube से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।